नमस्कार जोहार। जिस तरह से जेबीके से लगातार सभाएं कर रहा है, सभाएं करने के बाद इस वर्ष जो है हजारीबाग में झारखंडी महापंचायत रखा गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो कोर कमेटी का विस्तार होने के बाद, यानी केंद्रीय कमेटी के विस्तार होने के बाद पहली सभा है, लेकिन पहली सभा में ही जो लोगों का भीड़ जो है कहीं ना कहीं उमड़ता हुआ दिख रहा है और लोग आ रहे हैं। इसमें तमाम वक्ता हैं, जितने भी सेंट्रल कमेटी के लोग हैं वो सारे पहुंचेंगे और अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि जो आम चुनाव की बात करें तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है, जिस वजह से इन लोग सभी को बातों को सुनने के बाद डिसाइड करेंगे कि किस तरह से कहाँ कहाँ रणनीति सेट किया जाएगा। इसको लेकर झारखंडी महापंचायत रखा गया है। हमारे पीछे जो है भीड़ बिल्कुल जुट रहा है और ये 3 बजने को चला है, लेकिन लोगों का जो आवाजाही है बिल्कुल लगा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो महापंचायत, झारखंडी महापंचायत जो रखे हुए हैं जेबीकेसेस के बैनर तले और हजारीबाग के तमाम वक्ता और साथ में झारखंड के तमाम वक्ता जो यहाँ पे आने वाले हैं, आने के बाद तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि किस तरह से जो है 24, क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष को किस तरह से हम लोग एक अच्छा पहल करके जेबीकेसेस को अच्छे जगह पर हम सेट करें, इसको लेकर, क्योंकि जेबीकेसेस ने लगातार ये सभाओं में कहते हुए नजर आती है कि 5 से ज़्यादा हम लोकसभा सीटों पर अपना दावेदारी करेंगे। तो इससे हम शख्स जाहिर कर सकते हैं कि इस महापंचायत के बाद इन लोगों का डिक्लेयर हो जाएगा कि किन किन क्षेत्र में अपना लोकसभा चुनाव का तैयारी करेंगे। और महज अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में आम सभा का चुनाव है, जिस वजह से सभाओं का बिल्कुल जो दौर है वो ख़त्म होने को चलेगा, क्योंकि आचार संहिता लागू होने वाला है कुछ दिनों के बाद। तो इस सब चीज़ों को जानने के लिए हम सभा से कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, हालांकि कितना पहले का भीड़ और आज का जो भीड़ है कितना ज़्यादा इफेक्टेबल होगा, जेबीकेसेस की तरफ से किस तरह से लोगों का रुझान जो है वो जुट रहा है, ये सारी चीज़ों को आप तक हम पहुँचाने का कोशिश करेंगे। हालांकि सभा में तमाम वक्ताएँ जो हैं वो पहुँच चुके हैं, हालांकि उतना ज़्यादा भीड़ तो हम नहीं देख पा रहे हैं, जिस वजह से तमाम जगह पर भीड़ देखने को मिलता था, क्योंकि झारखंडी महापंचायत पहली बार हो रहा है। लेकिन पहली बार में हमको जहाँ तक लग रहा है कि पहले जो बदलाव संकल्प महासभाएं चल रहा था, उस बदलाव संकल्प महासभा से झारखंडी पंचायत महापंचायत की भीड़ में तुलनात्मक करें तो वो थोड़ा सा कम दिख रहा है। सारी चीज़ों की जानकारी आप तक हम पहुँचाएंगे, जयराम मैं तो भी पहुँचते ही होंगे, सारी चीज़ों को आप तक हम परोसने का कोशिश करेंगे। हालांकि बने रहें और किन किन चीज़ों को लेकर यहाँ पे झारखंडी महापंचायत रखा गया है, सारी चीज़ों को आप तक हम रखेंगे, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार। पहुंच चुके हैं, जयराम मैं तो जो है हजारीबाग झारखंडी महापंचायत में पहुंच चुके हैं और उनके पीछे का भीड़ का अंदाजा आप लगाइए।
से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सोच रहे हैं, 24 में वाकई बदलाव करेंगे। चलिए लोगों से बात करते हैं। और कुछ बात शुरू करने से पहले दो शब्द हम अपनी ओर से बोलना चाहते हैं कि हेलो बाहरी सांसद, हेलो माइक चेक करिए, हेलो जयराम महतो जो है हजारीबाग झारखंडी महापंचायत में पहुंच चुके हैं और उनके पीछे का भीड़ का अंदाजा आप लगाइए।